नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल एक्सेस में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं डिजिटल दुनिया के नवीन घटनाक्रम, डेली टेक अपडेट्स और साइबर वर्ल्ड में हो रही हलचलों से। दोस्तों, सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं अपने सभी नवागंतुक साथियों से कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। तो चलिए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है बिहार में अतिथि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित हर प्रकार के तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए इस भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से आपको अवगत कराना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले हफ्ते राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कई दिनों से लंबित अतिथि शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके पश्चात कैबिनेट ने प्रदेश के प्लस टू स्कूलों में कुछ चुनिंदा विषयों के शिक्षकों की कमी को देखते हुए 4,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न शिक्षक संघ एवं बीएड डिग्रीधारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही 2 मई को विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। उनकी नाराजगी का मुख्य विषय है बीटेक और एमटेक डिग्रीधारियों को इस भर्ती के तहत शामिल करना। परंतु आइए अब हम इस बैठक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इस बैठक के पश्चात कैबिनेट सचिव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला परिषद और विभिन्न नगर निकायों में स्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उत्क्रमित किए गए उच्च माध्यमिक स्कूल में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के तकरीबन 4,257 पद रिक्त हैं, जिनकी वजह से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए सरकार ने अतिथि शिक्षकों की बहाली करने का अभूतपूर्व फैसला किया है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति शास्त्र के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सरकार ने इन शिक्षकों का पदवार मानदेय निर्धारित किया है। इनको पारिश्रमिक के रूप में प्रतिदिन 1,000 रुपये दिए जाएंगे, परंतु यह राशि अधिकतम 25,000 रुपये महीने निर्धारित की गई है। साथ ही यह राशि स्कूल के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी। आइए अब इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अवलोकन करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम इसके लिए जारी किए गए टेंटेटिव शेड्यूल की अगर बात करें तो यह प्रक्रिया 5 मई से पूरे राज्य भर में एक साथ प्रारंभ होकर 15 जून को सभी शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के साथ तक सम्पन्न होगी। दोस्तों, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर का एक अंश है। इसमें स्पष्ट तौर पर शेड्यूल का वर्णन किया गया है जो कि इस प्रकार है। आप देख पा रहे हैं यह शेड्यूल 5 मई से प्रारंभ हो रही है, जिस दिन विद्यालय कुल रिक्तियों को जारी करेंगे। इसके पश्चात 12 मई को इन रिक्तियों के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाएगा और 21 मई को रिक्ति का जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा, जो कि विभिन्न प्रकार के दैनिक समाचार पत्रों में किया जा सकता है। इसके पश्चात 22 मई से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जो कि 4 जून तक चलेंगे, अर्थात 4 जून को आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि है। अब 9 जून को मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके आधार पर 10 से 13 जून तक चयनित अभ्यर्थी अपने विकल्प जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात चयनित अभ्यर्थी 15 जून को स्कूलों में योगदान करेंगे और इसी के साथ यह प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवारों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अर्हता शर्तों, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया नोटिस है, जिसमें कि जिसका विषय है राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिला परिषद और विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत और रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणीशास्त्र और वनस्पति शास्त्र विषय के अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। तो आइए अब हम इस लेटर के उस पहलू पर चर्चा करते हैं, जिसमें कि इसके अभ्यर्थियों की योग्यता का वर्णन किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बीएड की डिग्री। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पेपर 2 में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, परंतु गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हता न्यूनतम 55% अंकों के साथ बीटेक अथवा एमटेक की होगी, अर्थात कि बीटेक और एमटेक की डिग्रीधारी भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उनकी न्यूनतम जो योग्यता है वो 55% अंक रखी गई है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं, अतिथि शिक्षक की सेवा स्वीकृत पद के विरुद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ली जाएगी, अर्थात इसमें आरक्षण के नियमों का पालन अवश्य किया जाएगा। तो चलिए अब इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो विभिन्न विषयों के रिक्त पदों की संख्या है उनकी चर्चा करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें विषयवार रिक्तियों की संख्या का वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने बताया कुल 6 विषयों में यह रिक्ति निकली हुई है। तो अंग्रेजी विषय में आप देख पा रहे हैं टोटल 1041 रिक्ति है, गणित में 791, भौतिकी में 1024, रसायन शास्त्र में 974, प्राणी शास्त्र में 137 और वनस्पति शास्त्र में 290। इस प्रकार कुल 4257 पद रिक्त हैं। दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं विभिन्न राज्य के विभिन्न जिलों के अनुसार जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों की। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर यह गणित और जीव विज्ञान में सहायक शिक्षक के पदस्थापन हेतु जिलावार रिक्ति का विवरण है। दोस्तों हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दोनों पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उस पर क्लिक करके इसको आप अपने अनुसार अवलोकन कर सकते हैं। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल 33 जिले में गणित और जीव विज्ञान की रिक्तियों का वर्णन है। इसके पश्चात गणित और बायोलॉजी में सहायक शिक्षक के पदस्थापन हेतु जो विभिन्न जिले के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में भी जितने पद रिक्त हैं उनका भी इसमें काफ़ी विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आप इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार अपने पद का चयन कर सकते हैं। तो हम इस इन दोनों पीडीएफ का लिंक आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद अवश्य आया होगा। तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।